अस्सलामुअलैकुम, आप लोग यहाँ हैं? चले फिर। दाना भी निकला हुआ यार मेरे, आज यहाँ यहाँ दाने भी लग गई। आज सही बनाई है मैंने। हाँ तो भाई उठते के साथ ही मैं आया हूँ। नाश्ता किसका फड़वा है भाई, नाश्ता करें यार, नाश्ता वास्ता रखा हुआ, नाश्ता वास्ता करके फिर मिलते हैं आप लोगों से। स्त्री उस्त्री करें, स्त्री भी कर रहे हैं भाई, स्त्री भी कर रहे हैं, स्त्री कर रहे हैं। अब हम ब्लैक शर्ट पहनेंगे और ये ब्लैक कलर की पैंट पहनी है हमने, ब्लैक शर्ट पहनेंगे आज हम। आपका भाई जो है तैयार हो गया है ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ। ब्रश करते हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी दाढ़ी है, बहुत सारी दाढ़ियों में जो जिसमें जिस तरीके से ब्रश की है मैं दाढ़ी पे। चलो भाई कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आपका भाई ए चुप्पे ब्लैक ड्रेस में। ठीक है तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, सीन कुछ ऐसा है कि मैं ना एक बंदे से बात भी चल रही है मेरी ना, असल में मुझे अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करानी है। अगर आप लोगों को पता है कि यार कौन सी इंश्योरेंस अच्छी होती है या TLP। अरे कहना क्या चाहते हो? तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी है, दो तीन है। अगर आप जानते हो कि भाई अच्छी और भी है तो मुझे बताना, मेरी वैसे अभी जो बात चल रही है मेरी ना। अच्छा इसने मुझे बताया है 35,000 और एक है TLP वाला ना, तो उसने मुझे बताया है मेरी गाड़ी के 50,000 और तकाफुल वालों ने बताई 35,000। तो पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस पे जाऊँ, अब क्या सीन है। पॉलिसी दोनों चीज़ें सही हैं तो थोड़ा सा आप मुझे गाइड करें, मेरी बात दोनों से चल रही है तो फिर मुझे आप बताएं कि भाई कौन सी चीज़ मेरे लिए प्रेफर करेंगे आप लोग कि हाँ यार ये इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से फिर मैं अचीव करूँगा। ये मुझे आप कल तक कमेंट में ज़रूर बताएगा। ठीक है भाई साहब, मैं जा ही रहा था बाहर तो मेरी बेगम का फ़ोन आया था, मैं बेगम गई मैं घर पर ना अपने, तो जो है आमना की जो है थोड़ी सी तबीयत जो है ना ख़राब सी लग रही थी उसे, तो उसने कहा कि भाई एक जो है नज़ला होना शुरू हो गया मैडम को ना, तो रिजेक्ट्स पैनाडोल ले लें, पैनाडोल कहा था उन्होंने बेगम ने हमारी। रिजेक्स कहाँ पे, रिजेक्स कहाँ है? एक तो इतनी सारी दवाइयाँ हो गई यार बच्चों के बाद जो है ना, उनकी दवाइयाँ बड़ी संभालना मुश्किल, ये थी उनकी दवाइयाँ, रिजेक्स पैनाडोल और क्या कहा था, ड्रॉपर और क्या कहा था, नॉर्थलाइन की तरह भाई, नॉर्थलाइन की तरह भाई मिल ली यार, नॉर्थलाइन की तरह गई भाई, कहाँ है मिल जाओ नॉर्थलाइन, मिल जाओ। अब ये मिली है यहाँ पर, चलो भाई इनको लेते हैं और फिर हम जो है चलते हैं आमना के पास। आमना शायद बीमार है भाई, नज़ला वज़ला और उसको देखते हैं आगे क्या सीन है। A few minutes later. तो भाई दोस्तों अब हमने दवाइयाँ वाइयाँ पिला दी है, आमना हमारे साथ है, आमना के मुंह में रेड हो गया सारा, पैनाडोल पिलाइए इनको, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी आमना हमारी। आमना नया पाकिस्तान बना रही है आमना, देखिए कैसे सोच रही है यूं करके। One hour later. चलो भाई दोस्तों अब आप जो है आमना को हम घर लेके जा रहे हैं, हम अपना ससुराल आए हुए हैं आमना को लेने, उसकी मम्मा को लेने, और अब हम इसको लेकर तैयार वैयार करा लिया हमने, सही है, और अब हम जो है इसको लेके घर चलेंगे, आज हम घर जाएंगे हम लोग, तो फिर मिलते हैं घर पे। भैया हम लोग तो जा रहे हैं, देखो ससुराल से जाने का चक्कर ये होता है कि बैग एक साइड में इधर और आपके पास जब
बेबी हो जाए तो आप ऐसे जाते हो। फिर देखो ये बेगम साहब ऐसे जा रही है और हम जो बच्चों को पकड़ के हम फिर मिलते हैं घर पे। चलो भाई चलो, बस हमारा इतना सा रास्ता होता है बस। अब ये हम घर के गेट खोलेंगे घर में घुसते के साथ। भैया सलाम वालेकुम, हम ना एसी वाले कमरे में जाएगी और एसी देखो एसी कैसे चल रहा है। हम लोग सीरियस हो गए भाई, ये बहुत सीरियस हो गए। चलो भाई तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, शेयर बटन एंड कमेंट। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।